नमस्कार, एक बार फिर 184 में वार्ड में हम लोग, ये बदरपुर विधानसभा का 184 वार्ड है। यहाँ लोगों से जानेंगे कि माहौल क्या है। हुंकार मीडिया की टीम माहौल जानने के लिए निकली है कि सबसे पहले हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे कि माहौल क्या है। मेरा नाम मुजीबुर रहमान जी। माहौल अभी कांग्रेस का बहुत जोर चल गया है, इसलिए कि जब से राहुल गांधी पूरे देश में जी हाहाकार मचा दिया है, उनका अभी पलड़ा इतना भारी होगा कि बीजेपी उनके एक चौथाई भी नहीं, एक हिस्सा भी नहीं है। और बीजेपी ने जब से आया है देश को बेच के खा गया, और राहुल गांधी उनके परिवार देश के लिए बलिदान दे दिया। और उस ज़माने में कोई महंगाई नहीं था, कोई हर गरीब से गरीब खाना पीना अच्छा खाता था, अच्छा परवरिश करता था बच्चों का। अब तो यहाँ तक के दूध के पैसे तो बच्चों के मुँह से दूध भी छुड़ा दिया इन्होंने। और इससे बढ़ के और जुल्म क्या होगा कि जैसे बच्चों के पेड़ का दूध छुड़ा दिया, इससे बढ़ के और ऐसा घटिया गवर्नमेंट जिंदगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। हाँ। कितने विकास कार्य कराए आपकी? आम आदमी विकास जो तो चलिए, आम आदमी सिर्फ वादा किया है, जो थोड़ा बहुत किया है क्या, बाकी और कुछ नहीं। जो कांग्रेस कर गया है वो जिंदगी में कोई न कर पाएगा न किया है। आप कांग्रेस पार्टी 100% से आना है। यहाँ से पहले भाजपा के विधायक वो थे पार्षद, थे निगम पार्षद के शुक्ला। हाँ। उनकी बात करें तो कितना विकास कार्य करा? अरे वो विकास क्या किया है कि डुबा दिया है पूरे 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 मोहल्ला, पूरे इलाके को डुबा दिया है बिल्कुल बुरी तरह। और सिवाय वो हिंदू मुस्लिम हम लोग जाते थे ये करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, तो बोले जाओ तुम्हारे गली में जो हम लोग मना कर दिया है जाना सबको, हैं जितने मुलाजिम है उसको मना कर दिया है, तुम कूड़ा बहाते हो, तुम लोग पाकिस्तान भागो, सिर्फ यही किया है के शुक्ला। सफाई आपकी नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी देखिए जाकर के 6-8 महीना हो गया, कोई भी घूम के नहीं है पूरे गली में, समझा? तो क्या उसका जो सुबह बीजेपी का अहमियत रहा। हाँ, बहुत बुरे हाल कर दिया इन्होंने। तो लोग हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि माहौल क्या है, माहौल क्या है। यहाँ अर्पण विहार की बात करें, 184 वार्ड की क्या माहौल है? 184 वार्ड में अभी इससे पहले जो है वो क्या नाम है अपना बीजेपी का नेता वो क्या था वो के शुक्ला थे पहले यहाँ से निगम पार्षद थे। हाँ, के शुक्ला, इन्होंने तो कुछ काम करा ही नहीं बिल्कुल, ना के बराबर, जीरो है, नील बटा जीरो जिसको कहा जाता है। और इससे पहले भी कांग्रेस वाली जो वो थे निगम पार्षद, उन्होंने काफ़ी काम कराया, ऐसी बात नहीं कि नहीं। अब रह गई बात कि एक लहर सा चला है मोदी जी का एक लहर सा चला है कि हाँ जी मोदी मोदी घर घर मोदी हर हर मोदी। बात करें कांग्रेस पार्टी से, बिलाल अहमद की पत्नी सना फातिमा यहाँ से खड़ी है। हाँ। क्या माहौल है इनके लिए? हम जयपुर वालों को इनको तो वोट देना चाहिए, 100% देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आमेर के नाले के उस पार बहुत बड़ा माहौल है। हाँ। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इधर भी काफ़ी माहौल बना हुआ है उनका। बाकी रह गए नसीब की बात। बाकी माहौल तो कांग्रेस का है ही है ना, मैं इनको जानता हूँ ना उनको जानता हूँ, मैं सिर्फ पार्टी को जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो 1947 से अब तक जो भी काम किया उन्होंने, देश के अंदर रोड ले लो, नालियां ले लो, पुलें ले लो, हॉस्पिटल देख रहे हैं। अर्पण विहार में हम मौजूद हैं, यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, रिव्यू ले रहे लोगों के, कि इनका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम करे हैं, आम आदमी पार्टी ने उतने काम नहीं किए। पार्टी तो 4 दिन की पार्टी है, ये 4 दिन की पार्टी है, आज आई कल खत्म। ये जो मतलब वो एक बरसाती मेढक है, बरसाती मेढक वाली बात है इनकी। जो राष्ट्रीय पार्टी है, काम जिम्मेदारी उनकी होती है, और 1947 से अब तक जो कांग्रेस पार्टी ने किया काम शायद कोई नहीं कर पाएगा। महंगाई ले लो, बेरोजगारी ले लो, आज की डेट में बेरोजगार मैं खुद बैठा हूँ बीजेपी की सरकार में, आम आदमी की सरकार में मैं खुद बैठा हूँ बेरोजगार। बेरोजगार बैठे हैं, आपका कहना है कि बेरोजगार आप खुद बैठे हैं? और हमारे जैसे पता नहीं कितने भाई बैठे होंगे। एक तो मैं अपनी गिनती कराऊँ ना, अभी गिनती कराऊँ ना, और रह गई ये नाली सड़कों की बात। बात करें वार्ड नंबर 184 की, माहौल क्या है? माहौल यहाँ का अभी कांग्रेस का है, फातिमा जो क्या नाम है अपना सना फातिमा का, इनका माहौल है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि माहौल क्या है। वार्ड नंबर 184 अर्पण विहार में
क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है सना फातिमा बिलाल अहमद जी का जो है माहौल है बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह ये जीतेंगे भी यहाँ से समझे। और इन्होंने जो बीजेपी वाले जो के शुक्ला जी जो काम किए हैं जो पूरा देखिए नाली पूरी भरी पड़ी है सारे ठीक है ना, तो ये हम लोग इनको लाना आप नहीं चाह रहे हैं ठीक है ना, इनको लाना हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, अब हमें सना फातिमा बिलाल जी को लाना है। भाजपा के काम से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट नहीं है जी बिल्कुल नहीं, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम लोग के पास काम धंधा कुछ नहीं है, जब रोटी नहीं खाएंगे तब पेट कैसे भरेगा, जब हम कमाएंगे नहीं रोटी नहीं खाएंगे हमारा क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा ना जी। अगर रह गई बीजेपी के मतलब पार्षद का देखना है काम, तो अभी कोई बीजेपी का नेता आए हमारे साथ चले, मैं दिखाऊंगी क्या उन्होंने काम करा, नालियां दिखाऊंगा, सड़कें दिखाऊंगा, अभी रोड टूटी पड़ी जो समस्या आ रही है बहुत बड़ी समस्या आ रही है इनके नाली की साफ सफाई से, ये भी परेशान है। 15 साल की भाजपा सरकार कुछ नहीं, सब नील बटा जीरो है जी। 15 साल भाजपा ने कहा कि हमने बहुत विकास कार्य, हम लोग किसी काम के लिए अगर के शुक्ला जी के पास जाते हैं तो साफ कहते हैं कि आप मुसलमान हो आप हमारे वोट दिए नहीं हो, तो ये जाति पाति वाली बात ये काम कर रहे हैं समझे, ये सब चीज़ से हम लोग संतुष्ट नहीं है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्ला जी का कहना कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है मैं आपका विकास नहीं करूंगा, वोट नहीं दिया इसलिए मैं आपका काम करूंगा ही नहीं, आपके इधर का नाली ही साफ नहीं कराऊंगा। भाई वोट दिया नहीं तो तुमने जीता कहां से? अब हमारे भाई मैं इनको वोट दूंगा नहीं, क्या हाल हो रखा है हमारे मदीना मस्जिद रजा चौक जो है डूंकर पे देखिए वो आदमी गिर जाएगा तो मर जाएगा ठीक है ना, उसका कोई देखने आने को राजी नहीं है वो जगह को, अभी आपके बीच में नहीं आते, नहीं कभी नहीं आ रहे हैं, अगली बार फिर बात करेंगे जानेंगे माहौल क्या है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है। माहौल तो इतना बुरा चल रहा है कि क्या बताएं, हम लोग बेरोजगार कोई काम धाम है नहीं। कांग्रेस टाइम में ये मारी मारी नहीं थी भूखा भार कम, अपने बच्चों को 2 वक्त रोटी खिलाते थे, आज इनकी सरकार की वजह से भूखन मर रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं है। और कहते हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है कितने विकास कार्य हुए हैं, कोई विकास नहीं हो, सब झूठा हुआ है, बिल्कुल सफेद झूठ है। अच्छा। कहते हैं कि बहुत काम है हमारा विकास करें, क्या है विकास दिख रहा है, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, इतना रोजगार कांग्रेस पार्टी आएगी तो विकास कराएगी बिल्कुल, पहले भी तो उससे हुआ थी तो हम खुश थे, 2 रोटी तो खिलाते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं बच्चों को पाल पा रहे, क्या कर दिया बीजेपी वाले ने, कुछ भी नहीं किए हम तो बच्चों को ढंग से पेट नहीं पाल पा रहे, और नौकरी जो थी वो भी ख़त्म, काम धंधा है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और कहते बहुत रोजी हमने ये कर दिया, क्या केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में हमने बहुत विकास कार्य कराए हैं, कितने विकास कार्य हुए हैं दिल्ली के अंदर, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा, हमें तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा विकास है। भाजपा के यहाँ से निगम पार्षद रहे हैं पहले, कितने विकास कार्य कराए आपके बीच में आए कभी? भैया उन लोगों को मिला होगा, नोट भरे होंगे, उन लोगों को पता होगा, हमें तो मिले नहीं तो हम कैसे बताएं, उनके जेब भरा जा रहा उनको पता होगा, हमें तो नहीं मालूम, हम तो मजदूर हैं, ईंटा गारा ढो दे तो बच्चों को पेट पालते, वो भी ढंग से नहीं मिलते। हमारे साथ कुछ लोग इनका यही कहना है कि विकास नहीं हुआ है, तो अर्पण विहार में हम मौजूद है, 184 वार्ड का ये अर्पण विहार है, यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं कि माहौल क्या है, माहौल जानने के लिए ओंकार मीडिया की टीम निकली है और लोगों से जान रहे हैं कि माहौल क्या है। उसमें यही पाया है हमने यहाँ कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सना फातिमा यहाँ से यहाँ अर्पण विहार में जो है आगे चल रही है, यही हमने पाया, लोगों से बात करी, उनका यही कहना कि अर्बन विहार में कांग्रेस पार्टी मजबूत है। ये भी जो आप कूड़ा देख रहे हैं निगम पार्षद के एक शुक्ला का कार्य है, मैं दिखा रहा हूँ उनके वार्ड में, आपसे बात कर रहा हूँ और लोगों के रिव्यू ले रहा हूँ, लोगों के घर घर जा कर के सबका यही कहना कि विकास नहीं हुआ है, नाली साफ नहीं हुई है, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ है, किसका माहौल है, आप गली गली जा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, माहौल तो मुझे दिखा रहा है राहुल गांधी का गली गली में। अच्छा। हाँ मैं इधर वो मीठा नगर है क्या, उधर तक घूम के आते हैं सर हम। हाँ जी, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस का माहौल है? हाँ जी कांग्रेस का माहौल, आप लोगों के बीच जा रहे हो, गली गली जा रहे हो, सब्जी बेच रहे हो। हाँ जी। तो उसके बारे में जान रहा हूँ मैं, माहौल क्या है? माहौल तो कांग्रेस का निकल जाएगा आपके। हाँ जी, आपने जाना और देखा कि कांग्रेस का माहौल है, अगली बार फिर बात करेंगे लोगों से, जब तक देखते रहिए, बने रहिए ओंकार 24/7। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।